अप अर्ली। उसके कारणों में फिलहाल जाना जरूरी नहीं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे वो क्या कारण है। ये संबंध बनाने वाली जो संस्थाएं थी, यानी विश्वविद्यालय, हिंदी संस्थान वगैरह वगैरह, वो सब ध्वस्त हो गए। उन्होंने ये भूमिका नहीं निभाई, बल्कि अब ये कहा जा सकता है कि कविता से लोगों को दूर करने में हिंदी अध्यापन की बड़ी भूमिका रही। मतलब उसमें ये है कि पेड़ पेड़ नहीं है, वो किसी चीज का प्रतीक है, तो बेचारा ना पेड़ हो पाता है और ना प्रतीक हो पाता है। सूरदास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि रहरी मानी ने काम न कीजिए, यह जोवन अंजुरी को जल है, जो गोपाल मांगे क्यों दीजिए। अब ये प्रेम कविता है, लेकिन हिंदी अध्यापक ऐसा नहीं कहेगा, वो कहेगा कि ये आत्मा है और वो परमात्मा है और वो आत्मा से, और इसमें इसकी जो इंद्रियता है वो सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का रूपक तारी हो जाएगा। तो हिंदी अध्यापन की भूमिका बड़ी खराब है। अच्छा, अगर आप हिंदी का मीडिया ही देखें, अंग्रेजी का तो छोड़िए, हिंदी के मीडिया को अगर आप पढ़ें, हिंदी अखबार पढ़ें, तो आपको लगेगा कि हिंदी समाज की हर चीज में दिलचस्पी है। जो भी का आचार कैसे बनाए, फलानी कौन कपूर या जो भी खन्ना, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है और कौन कितने बजे मरा, सब में दिलचस्पी। लेकिन एक चीज जिसकी हिंदी समाज में रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है, वो कविता। क्योंकि कविता की कुछ कविता खबर नहीं बनती, और एक तरह से कविता का खबर से उसकी रकाबत है। इस अर्थ में रकाबत है कि कविता का सच अधूरा सच होता है, वो पूरा ही तब होता है जब सुनने वाला या पढ़ने वाला कुछ अपना सच उसमें मिलाए। इसीलिए एक ही कविता के कई व्याख्याएं संभव है, क्योंकि आपका सच, लेकिन सच वही मिला सकता है जिसको अपने सच का पता हो, और दूसरा ये कि उसके पास कोई सच है ऐसा संदेह करने का कोई कारण नहीं। तो आपके पास सच है, ज्यादातर लोग तो सत्याभास में जीते हैं, सच में किसके पास। तो एक तरह से आप खबर पढ़िए कि वो जिसकी मृत्यु हो गई, वो इतने बड़े मरी, आज ये खबर है। अब बाकी तो उसका खुलासा है। कविता ऐसा नहीं करती, कविता का सच कविता पूरी पढ़ने के बाद हो सकता है प्रकट हो, तो हो। तो लोगों के पास आजकल ये है कि हर चीज का सार संक्षेप चाहिए, खबर का भी चाहिए तो कविता का भी चाहिए। अब कविता संक्षेप के विरुद्ध सत्याग्रह है। ये हर चीज का संक्षेप नहीं किया जा सकता, सच्चाई का संक्षेप नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें हैं जिनका आप संक्षेप नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। अशोक जी, एक बात का यहाँ हस्तक्षेप करूंगा आपके साथ, जो आप नहीं, आप सिर्फ आपको ही उकसाने के लिए करूंगा। आपने कहा कि कविता और खासकर खड़ी बोली की कविता जब लिखी जाने लगी, तो ये बात इस बात का आभास था लोगों को, और ये प्रयास हुए कि ऐसी कविता भी संभव है, क्योंकि जो बंदिश गाई जाती थी या जो गीत होते थे वो दूसरी भाषाओं में या कोलोकियल लैंग्वेज में थे। लेकिन अगर आप खड़ी बोली आधुनिक काल में ही देखें, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन और बहुत कुछ निराला ने भी ऐसा लिखा जो खूब अच्छे से गाया गया और जिसकी आज भी व्याप्ति घरानों में, संगीत के लोगों में है। निराला ने तो गीत भी लिखे, छाए पलक पर प्राण की बंधन मांगने तुम और बड़े वीरावासी, कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ की प्रार्थना प्रार्थना की तरह गाई न जाती हो। मेरा सवाल ये है कि मंच की कविता जो उस जमाने का जो शुरुआती दौर है खड़ी बोली का, जिसमें मंच पे लोग जाते थे और जिसमें बच्चन जी और महादेवी वर्मा और निराला भी बैठते रहे, उस दौर में जो कविता सुनी जाती थी, जो आपने कहा कि एक अधूरा सच है उसमें पूरा सच श्रोता का मिलता है, आज वैसा मंच नहीं है, लेकिन आज कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का मंच है या पटना का मंच है या बेंगलोर का मंच है, जहां हम सब बैठ के अपनी बात कहते हैं, तो वो जो एक कनेक्टिविटी बनती थी और जिससे अपार लोकप्रियता इन लोगों ने पाई, क्या वो कहीं बीच में टूटा था, वो एक मिसिंग लिंक था जिसकी वजह से भी कविता जूझ नहीं समाज से?
देखिए कभी सम्मेलन हिंदी में उर्दू के मुशायरे की तर्ज पर शुरू है, ये कविता का सार्वजनिक पाठ होना चाहिए। उर्दू में अभी भी महत्वपूर्ण कवि मुशायरे में कामयाब शायर हो पाते, लेकिन हिंदी में जो सफल कवि हैं कवि सम्मेलन के, उनको साहित्य में कोई ध्यान में नहीं देता, हिसाब में नहीं देता, और जो अच्छे कवि हैं जिनको साहित्य में माना जाता है वो बेचारे कवि सम्मेलन में जाने से घबराते हैं। एक बार मुझे डीसीएम वो दिल्ली में एक बड़ा कवि सम्मेलन कर लें जिस शहर दशहरे के मौके पर, तो उसमें वो मुझे चिट्ठी लिखते थे कि आप भी आइए, मैं उसका कोई जवाब ही नहीं देता। तो उनके जो मालिक हैं वो एक बार मुझसे मिलने आए, उन्होंने तो सोचा कि कुछ पैसे कहा कि आप 10,000 रुपये कुछ 20,000 रुपये दे रहे थे, तो 10-20,000 रुपये इतना कम नहीं होता। तो उस कहने आए कि अगर पैसे की कोई बात हो, मैंने कहा नहीं, हम लोग तो ध्रुपद गायक, अब आप हमको गजल गायकों के बीच में क्यों बुला, आप अगर ध्रुपदियों का कोई सम्मेलन करें तो हम उसमें आ जाएंगे, लेकिन अब ये गजल गायकों के बीच हम अपनी हंसी उड़ा दें क्यों आएंगे। और चूँकि वो शास्त्रीय संगीत के विनय भरत राम ना, तो वो समझ गए कि हाँ, फिर उन्होंने मुझे बुलाना बंद कर। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, और इसने कविता को प्रभावित किया है। अब ज्यादातर कविता पढ़ी जाती है, सुनी नहीं जाती, और इसमें भी कविता के काव्य शास्त्र में एक बुनियादी परिवर्तन किया है। सुनने के अवसर जुटाना और बात है, हमने मध्य प्रदेश में एक जमाने में बहुत अवसर जुटाए थे जिसमें लोग आते थे और सुनते थे, देर देर तक सुनते थे। मतलब एक बार शमशेर नागार्जुन त्रिलोचन और केदारनाथ अग्रवाल का कविता पाठ था, वो सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 2:30 बजे खत्म, 4 कवि और लोग बैठे रहे 250-300। तो वो भी संभव है, ऐसे ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भाग्य अब स्थिति ये है कि आज की कविता सुनाई जाने वाली कविता नहीं रह गई है, वो पढ़ने वाली कविता हो गई। इसके कारण बहुत सारे हैं। देखिए हिंदी समाज अपने साहित्य से गाफिल समाज है, ऐसा और कोई भाषा भाषी समाज नहीं है भारत में जो अपने साहित्य से इस कदर उदासीन हो जितना हिंदी समाज है। यहाँ साक्षरता बढ़ती जाती है और रसिकता की हानि होती है, ये पहले नहीं था, और इसके कारण इस समय दरभंगा किराना वो सब वहां से गायब, वो तो भला हो महाराष्ट्र का और बंगाल का कि उन्होंने इनको बचा रखा, वरना यहाँ से ये जयपुर में जयपुर नहीं है, बनारस में बनारस नहीं रहेगा, लखनऊ। तो ये व्यापक सांस्कृतिक क्षरण का हिस्सा है जिसमें जिसके कारणों में जाया जा सकता है, लेकिन फिर वो लंबी बहस है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए। लेकिन इसमें एक बात ये भी निकलती है, ये बात ठीक है कि मंच से कविता दूर हुई, या एक श्रेष्ठ कविता है और एक लोकप्रिय कविता है, एक गजल है और एक ध्रुपद है, लेकिन कई बार ऐसा पाया गया, खास करके मैंने मेरा अपना अनुभव है कि जैसे मैंने साहित्य अकादमी में या इन सारे कविता संग्रह करके ले आया कि मुझे पढ़ना है, कई बार लोग आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपको फला जगह सुना था, बहुत अच्छा लगा, आपकी किताब कहाँ मिलेगी। तो आपको ये नहीं लगता कि कनेक्ट होने के लिए या अपनी कविता को ज्यादातर उसके प्रसार के लिए या वो कविता पढ़ी जाए इसके लिए भी हमें पब्लिक डोमेन में जाना पड़ेगा और जनता से संवाद करना पड़ेगा? हाँ हाँ, तो हम तो ये संवाद करते रहे, हमें कोई उलझन नहीं रहा है कभी। जी जी, ऐसे अवसर आते रहे हैं जब हमने नहीं, मैंने उस अर्थ में कहा कि ये समकालीन कविता को जुड़ना चाहिए। ये तो ठीक है, ये कविता सुनी नहीं जाती है, ये इसका दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें सुने जाने की क्षमता नहीं है ये मैं नहीं कह रहा। जी, अगर ये सुनी जाएगी तो बेहतर समझी जाएगी, ये तो सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग कविता में आवाज का एक खेल है, और आवाज जब एक आप कवि को सुनते हैं तो उसका उसकी पूरी भंगिमा, उसका चेहरा, उसके जैसे मैं बहुत हाथ बहुत यूं करता रहता हूँ, ये सब उसके अर्थ को खोलते हैं। और हर बार कवि को भी अपनी कविता सुनाते हुए
दूसरों की प्रतिक्रिया को देखकर उसके ऐसी अर्थ छवियां खुलती हैं जिसका उसे संदेह ही नहीं था, क्योंकि अंततः कविता भाषा को वहां ले जाती है जहां वो पहले न गई। यही कविता भाषा का एक उपयोग है, वो कविता। और फिर इधर दूसरी बातें भी पैदा हुई है, सिर्फ कविता भाषा का मामला नहीं है। अब कविता अंतःकरण की आवाज है, एक ऐसे, बल्कि मैं तो ये कहता रहा हूं कि हिंदी साहित्य का एकमात्र राजनैतिक प्रतिपक्ष हिंदी साहित्य, उसका दूसरे राजनीतिक प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, वो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। शिव प्रसाद की जगह राम प्रसाद, गयासुद्दीन की वजह नसीरुद्दीन, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो साहित्य है, क्योंकि ये साहित्य स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समता, न्याय, अंतःकरण, इन मूल्यों पर आधारित है, जो कि पहले हम साहित्य के विषय में विचार करते हुए ध्यान में नहीं लेते थे, अब लेते हैं, क्योंकि अब लोकतंत्र ने बहुत सारे ऐसे मूल्यों के प्रति हमको सजग किया है कि ये हमें कविता न्याय कर रही है कि नहीं, कविता में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठ रही है कि नहीं। सारी, अगर आप सभी देखें तो दुनिया में तो बाजार बाजार, और सब लोग बाजार के बड़े मुरीद हैं, और सब लोग बाजार से बहुत प्रभावित और मुतासिर हैं, और सब लोग बाजार का हिस्सा होने के लिए बहुत लालायित हैं। ऐसे में कविता ही है जो बाजार या बाजारूपन या बाजार की जो बढ़ती हुई तानाशाही है उसके विरुद्ध आवाज उठा। अगर आप हिंदी समाज देखें तो हिंदी समाज सबसे अधिक धर्मांध और सबसे अधिक सांप्रदायिक समाज, जातियों में बटा है, धर्मों में झगड़े हैं, फलाना है, ठिकाना है, ये सब है। उसके खिलाफ साहित्य ही है जो आवाज उठाता है, साहित्य ही है जो आपको बताता है असल में हमारे और उनके बीच कोई अंतर है, हम वे हैं और वे हम हैं। ये एहसास कराना अपने आप, इसलिए इस समय कविता की एक नागरिक भूमिका भी है, यानी वो नागरिक अंतःकरण को जगाने का काम करती। और ये पहले कविता का ये गुण जरूरी नहीं था, आप पलट के कह सकते हैं कि उन सब ने भी ऐसा किया, तुलसीदास ने भी नागरिक अंतःकरण जगाया होगा, कबीर ने तो निश्चय ही जगाया होगा, लेकिन ये उनका बुनियादी काम नहीं था, प्रसंगवश। अब ये चीजें हैं जिन पर हमको विचार करना होता है। और दूसरा ये भी है कि कविता आखिर करती क्या है, उस पर इतना हम कई बार कविता से बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन बिना कविता के बहुत अच्छा चलता है, और भले लोग हैं और सौभाग्यशाली भी हैं, और उनके महल दो महल भी होते होंगे, और मतलब जिंदगी बीत जाती है बिना कविता, टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ना पड़े तो बात और है, बाकी फिर दुनिया में जिंदगी में कभी उसका अर्थ नहीं। कविता एक अल्पसंख्यक कार्रवाई है, अल्पसंख्यक ही लिखते हैं। हम पेशावर में थे, पेशावर के एक शायर आए थे लाहौर में, तो उन्होंने कहा कि हम कम कम, हम थोड़े थोड़े हैं, हम कम कम होते हैं, यानी हम थोड़े लोग हैं। अब यही देखिए इतने बड़े फेस्टिवल में हम थोड़े ही हैं, कभी लोग कहाँ, मतलब बाकी सब चिंता के चिंतक और विचारक और जाने कौन कौन हैं, तो हम लोग थोड़े थोड़े हैं और कम कम होते हैं। अब ये तो भला हो आपका कि आप इतनी संख्या में आ गए, वरना हम तो आज शाम सुबह इसके लिए तैयार थे कि लोग भी कम होंगे, तो हमारी जो अल्पसंख्यकता है उस पर एक बार और मोहर लग जाए। तो ये जो कविता करती क्या, एक स्तर पर जिसको आप भूलना चाहते या जिसको आप पता की जिंदगी में व्यस्त होने के कारण भूल जाते, उसको याद करें। कविता का एक बहुत बड़ा काम याद करें, वो याद करें। और आप जो भूल चुके, आपने देखा होगा कि बकरी जा रही थी सड़क पर, आप भूल गए, इसमें याद करने वाली बात क्या है? अगर कोई कविता उस बकरी के जाने पर हो तो वो बकरी का जाना अब अमर हो गया, क्योंकि वो कविता में जाती रहेगी, जितनी बार वो पढ़ी जाएगी इतने सदियों के बाद भी, तब भी वो
जाती रहेगी। ये याद करना, आपकी कविता आपकी स्मृति का, आपकी जातीय स्मृति का एक बेदरो दीवार का संग्रहालय है, जिसमें आप बिना रेव टोक, बिना लाइसेंस, बिना टिकट जब चाहें तब प्रवेश कर सकते हैं। अधिकांश लोग बिना टिकट के कहीं प्रवेश नहीं करते, हालांकि हमसे ज्यादा मुफ्तखोर देश कौन होगा, लेकिन बहरहाल कविता में मुफ्तखोरी बहुत गुंजाइश है, लेकिन आप लोग आते नहीं हैं ज्यादातर, आप तो आए हैं तो आपका कृतज्ञता है। दूसरी बात यह है कि कविता रचती है, घटना भले ये हो कि मान लीजिए एक हमारा एक ड्राइवर था सरनाम से, एक रात को हमको अपने बंगले में छोड़कर और साइकिल से गया और उसकी उसको किसी ठेल ट्रक ने मार गिराया और मर गया। अब सरनाम सिंह हमारी स्मृति में तो बचा है क्योंकि हम हमारा ड्राइवर था, मर गया बेचारा, उसका कोई अपराध नहीं सिवा इसके रात को हमें छोड़कर जा, तो हर दिन जाता था, ऐसी कोई नहीं बात नहीं, लेकिन मैंने उस पर एक कविता लिखी। अब वो कविता में बचा हुआ, वो परिवार में बचा होगा शायद स्मृतियों में, और हम सब लोगों के परिवारों की अब ये हालत भी है कि हम ज्यादातर अपने पुरखों को याद नहीं करते जी। ऐसे हम ही से हमारे कुछ अनुष्ठान होते हैं जिनमें आपको 5 पीढ़ियों के पुरखों के नाम बताने होते हैं, तो 3 के बाद हम ही नहीं बता सकते कौन थे हमारे पुरुष। तो एक काम कविता का उस घटना को रचना है और इसको ऐसे रचकर बचा देना, यानी अब सरनाम सिंह एक कविता में बचा हुआ है, यद्यपि उसका भौतिक जीवन दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त होकर समाप्त हो। तो ये एक काम कविता करती है कि वो चीजों को बचाती है। मैंने एक कविता लिखी टोकनी पर, हमको लगा हमारे घर में टोकनी है, वो भी पहले टोकनी जीवन में समाप्त हो चुके उनको बचाए रखा, फिर वो दिखाती है, वो दिखाती है जो आप कई बार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख नहीं पाते। मसलन एक खिड़की खुलती है और एक नीला आकाश शिकायत दिखाई देता है, हम में से कितने लोग हैं जो आजकल आकाश देखते हैं, रोना प्रदूषण इत्यादि पर मार्च में हम चले जाएंगे, लेकिन जहां से आप आकाश को देख भी सकते हैं देखते नहीं, हम पेड़ों पौधों अपने घर वाले को तो देख लेंगे अगर हमको कुछ बागवानी वगैरह का शौक है, लेकिन पेड़ पर एक नीली चिड़िया आ रही है और वो एक 2 मिनट के लिए है, 1 मिनट के लिए है, हो सकता है कि वो कविता में बची रहे, हालांकि वो आपकी दृश्य से, तो वो दिखाना, और दिखाना मतलब ऐसा दिखाना कि आपकी स्मृति में वो बचा दे। फिर कविता प्रश्न पूछती, हमारे यहाँ बड़ा ये एक भ्रम है कि कविता का विचार से लेना देना कुछ नहीं, ये सारे विचार बाहरी होते हैं, मार्क्सवाद में होते हैं और अरविंद के यहाँ होते हैं, ना किस किस के यहाँ होते हैं, विचार एक कवि को विचार करने का अधिकार नहीं है, जबकि कविता अपने ढंग से विचार कर। हमारे कवि थे शमशेर बहादुर सिंह, उन्होंने कहा शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है, एक विचार है। अज्ञेय ने कहा है अभी कुछ और जो कहा नहीं गया, तो ये तो हर सदी में ऐसे लोग होंगे जिनको लगता है कि हो सकता है भ्रम ही हो और अंततः आप वही कह रहे हैं मुझे दूसरे कह चुके हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि ये अभी कहा नहीं गया, ऐसे नहीं कहा गया है, ऐसी परिस्थिति में नहीं कहा गया है, ठीक उसी तरह उसके ब्यौरों में बसता है, यानी कौन से ब्यौरे आप चुनते हैं। एक बार मैं कल किसको कहानी बता रहा था, सुमित्रानंदन पंत का महाकाव्य निकला था लोकायतन जी, और उस पर एक गोष्ठी थी, एक गोष्ठी थी दृष्टि की प्रासंगिकता, अपने रचना की प्रासंगिकता का निकष, एक कसौटी क्या है ये तय करने की कि कोई रचना प्रासंगिक है। तो मैंने उसमें, तब मेरी उम्र कम थी और दृष्टता अधिक थी, तो मैंने कहा कि देखिए अगर रचना की दृष्टि की प्रासंगिकता से अगर रचना की प्रासंगिकता तय होती हो तो पंत जी ने तो महान विचार दिया है, सकल मानव कल्याण, सकल मानव जगत का कल्याण हो, इससे बड़ा विचार क्या होगा, लेकिन वो काव्य बहुत खराब है,
दृष्टि की प्रासंगिकता से रचना की प्रासंगिकता तय नहीं होगी, तय इस बात से होगी कि वो रचना अपनी दृष्टि को चरितार्थ करने के लिए कौन से ब्यौरे चुने। हमारी दिलचस्पी ये जानने में है कि वो जो आदमी गया वो कौन था, उसने हवा में ये जो तनसनी है इसको महसूस किया कैसे किया, उसने हरितिमा देखी तो कैसे देखी। जितना हमको ब्यौरे मिलेंगे उतनी हमारी उस व्यक्ति की मानवीयता में, उसके मनुष्य होने में हमारी दिलचस्पी बढ़ेगी। हम घिरे हुए हैं मनुष्यों के अलावा चीजों से, मतलब मध्यवर्ग के तो घर चीजों के गोदाम हैं, चार मिक्सी, पांच डिनर सेट, सात हलाना, जिनकी कोई जरूरत ना हो वो भी, इतने सारे सब हैं आपके पास। तो लेकिन ये चीजें भी हमको देखती हैं, इसका हमें कभी एहसास नहीं। एक बार राष्ट्रीय संग्रहालय में यकायक मुझे पता चला कि मैं उसका काम चलाऊ निदेशक था, कि वहाँ एक दीक्षांत भाषण है जो मुझे देना है, क्योंकि मैं पदेन कुछ कुलपति था पत्रिका का, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं गया, मैंने कहा जब आप 10वीं शताब्दी की एक मूर्ति देखते हैं तो आपको थोड़ा विनय से देखना चाहिए, क्योंकि आप तो 10वीं शताब्दी की मूर्ति देख रहे हैं जो 10 शताब्दियों तक भौतिक रूप से बनी हुई है, भले कितनी ही खंडित क्यों ना हो। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जैसे आप उसको देख रहे हैं वो मूर्ति भी आपको देख रही है। ये बात कविता पैदा करती है, यानी कविता चीजों को भी मानवीयता देती है, उनकी भी जो सत्ता है उसको स्वीकार कि सिर्फ हम ही मतलब जीवित नहीं है, और भी चीजें हैं जो जीवित है, भले तथाकथित विज्ञान में वो जीवित है कि नहीं है ये अलग बात, लेकिन ये जो जीवित होना है असल में, तो वही जीवित होना असल में जीवित होना है जो दूसरों में जीवित हो। आप अपने में जीवित हैं तो इसमें क्या बड़ा तीर मारिए, तो सभी लोग होते हैं, कुत्ते बिल्ली भी अपने में जीवित होते हैं। मनुष्य वही है जो दूसरों में जीवित होता है, और दूसरों में जीवित होने की एक विधि करता है, ये नहीं कि यही एक बात विधि है, संगीत भी है और बहुत सारी कलाएं हैं जो दूसरे, लेकिन ये दूसरों में होना और दूसरों का एहतराम करना वो है। और हमारी जो दुनिया है ये जितना हम बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा दूसरे बनाते हैं, जितना हम बिगाड़ते हैं उससे ज्यादा दूसरे बिगाड़ते हैं। तो इन बातों को सोचना, और सोचना इस अर्थ में नहीं कि मैंने आपको एक व्याख्यान दे दिया और आपने कहा कोई सूझ की बात कही है और अच्छी बात, इसको एक इंद्रिय कविता की पूरी भाषा में उसकी लयात्मकता में चरितार्थ करना कवि का कौशल इसमें। तो आप चुप तो करें, चुप तो आप इतने सारे धन्य और श्रेष्ठ कर्मों के सोबत में रहे, अज्ञे जी से लेकर मुक्ति बोध, मुक्ति बोध का संग्रह ही आपके और श्रीकांत वर्मा के प्रयास से दुनिया के सामने आया। तो ये जो आप साक्षी हैं 50 वर्षों की कविता के, इसमें बहुत सारे ऐसे नक्षत्र हैं कवि की कविता के, अज्ञे, शमशेर, मुक्ति बोध, श्रीकांत वर्मा, शंभु नारायण, केदारनाथ जी, आप लोग बैठ जाए प्लीज, तो फिर हम लोग बात करेंगे। अज्ञे, शमशेर, मुक्तिबोध, उसके बाद श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर या विजय देव नारायण शाही, भुवन नारायण, केदारनाथ सिंह और तमाम सारे इधर के कवि, इसमें विनोद कुमार, शुक्ल मंगले, जबराल, विष्णु खरे, ये सब के आप साक्षी हैं, सबके मित्र रहे हैं, उन्हीं के शिष्य रहे हैं, आप इनकी कविता को कैसे देखते हैं और ऑडियंस के लिए ने मतलब आप अपने ब्यौरों से जितना इनकी कविता को रेखांकित कर लें, खास करके इन बड़े नक्षत्रों की लगे और मुक्ति बोध वगैरह की, क्योंकि खुद हमारे पास इस शताब्दी में अगर उस उधर उनकी अनामिका और तुलसीदास और
कामायनी जैसी रचनाएं हैं, तो इधर अंधेरे में और असाध्य वीणा जैसी कविताएं भी हमारे पास हैं इस संदर्भ में। अब देखिए फिर बहुत ही लंबा परिप्रेक्ष्य है, ऐसा क्रम होता है जो मेरे साथ हुआ, मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं बहुत बड़े कवियों के निकट अकाल परिपक्व होने के बावजूद आ गया। परिपक्व तो आज तक नहीं हुआ, भले धवल केश हो गया, लेकिन इन सब ने एक आत्मविश्वास पैदा किया। आत्मविश्वास ये पैदा किया कि भाषा में सब कुछ संभव है और अपनी भाषा में सब कुछ संभव है, यानी संभव है तो है ही। मैं तो हिंदी साहित्य का वैध विद्यार्थी था ही नहीं, मैंने हिंदी साहित्य बाकायदा पढ़ा नहीं, मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी, अंग्रेजी का ही अध्यापक, तो ये बहुत बड़ा प्रलोभन हो सकता था कि आप अंग्रेजी में लिखें। हमने कभी अंग्रेजी में लिखने की सोची नहीं कि आलोचना अंग्रेजी में, लेकिन कविता अंग्रेजी में लिखने, ये आत्मविश्वास इन लोगों से मिला। और इतनी बड़ी इतनी अपार बहुलता की कविता है अज्ञेय, अज्ञेय के यहाँ संस्कृत कविता का खड़ी बोली में फिर से जन्म हो रहा है, वो हिंदी के अंतिम संस्कृत कवि, तो आसान बात नहीं है। मुक्तिबोध के यहाँ हमारे समय का जो भयानक अंधेरा है, इसको हम चकाचौंध और रोशनी और इस सब में छुपाते हैं, उस अंधेरे से आप रूबरू हो। शमशेर के यहाँ एक विचित्र कमतरी का एहसास है, हम अपने को ख्याल से भी कम समझे थे, ये अपने को ख्याल से भी कम समझना विनय का एक। श्रीकांत वर्मा के यहाँ सत्ता में रहते हुए, सत्ता के बहुत निकट थे, महासचिव थे कांग्रेस पार्टी के, और लेकिन सत्ता की अंततः विफलता का गान श्रीकांत वर्मा ने किया। रघुवीर सहाय ने क्या अब नहीं होगा हर दिन आदमी से एक दर्जा नीचे रहने का डर, और जो लोकतंत्र की विडंबना थी, एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्र को अपनी कविता का विषय पहली बार रघुवीर सहाय ने ही बनाया। विनोद कुमार शुक्ल ने एक अटपटी काव्य भाषा, उनके पहले कविता संग्रह का नाम मैंने ही रखा था, और वो हिंदी के किसी भी कविता संग्रह का सबसे लंबा नाम है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, ये कविता संग्रह का नाम है, क्योंकि बिना इसको ऐसा कहे उनकी कविता का मतलब, वह आदमी चला गया इतना तो ठीक है, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, और उससे पूरी बात बदल जाए, तो ऐसे बहुत। और इन सब के प्रति मेरे मन में इसलिए बहुत ही गहरी कृतज्ञता है, ये ना होते तो मैं ना होता, इन्हीं से सीखा, इनमें से कईयों से झगड़ा भी, कईयों से असल में कविता में लिख चुका, मैं मुझे पता ही नहीं था आपको दुश्मन अलग से बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि दोस्त ही आगे जाके कभी ना कभी आपके दुश्मन हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एक जो भाषा का के प्रति एक जिम्मेदारी है हर व्यक्ति जिसकी जो भी मातृभाषा है, क्योंकि ये संसार, मैं कई बार कह चुका हूं, ये पृथ्वी कुत्ते बिल्ली गिलहरी फूल पत्तों के लिए तो पृथ्वी है, हमारे लिए पृथ्वी के साथ साथ संसार भी, और हमने पृथ्वी को संसार में भाषा से, और वो भाषा के प्रति जो लापरवाही है,
हिंदी कविता की इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से है उसकी युवा पीढ़ी के लोगों में कि वो एक तरह की कुछ भी चलता है वो पूरा भाषा नहीं दिखते, भाषा बदलती है, भाषा में नए शब्द आएंगे, नए उपाय आएंगे इत्यादि इत्यादि, लेकिन भाषा की कुछ मर्यादा है और उस मर्यादा की रक्षा करना हर उस व्यक्ति का जिम्मेदारी है जो उसका व्यवहार करता है। तो इस जिम्मेदारी से आप इससे नहीं बच जाएंगे, ये वो तो काम किसी और का है, इस काम किसी और का नहीं है। आखिरी बात फिर कविता पढ़ूंगा आपने शुरुआत में कविता पढ़ दी, आप 15 मिनट क्वेश्चन आंसर का बचा है, नहीं नहीं इनके पहले मेरा तो सवाल हो जाएगा। पूरी कविता में, पूरी कविता परंपरा में आपकी अपनी कविता को आप कैसे देखते हैं, और अगर आपको अपनी कविता के बारे में कुछ कहना होगा तो अशोक वाजपेयी एक कवि के रूप में कहाँ अपने को पाते हैं और किस तरह अपनी काव्य भाषा और अपने विचार को व्यक्त करते हैं, अपने बारे में बोलिए। अरे अपने बारे में क्या बोलना, ये तो दूसरों का काम है कि वो मुझे कहाँ रखेंगे। और एक बार मैंने ये कहा था कि हमारे इतिहास बोध से ग्रस्त जो मार्क्सवादी मित्र हैं वो बहुत इतिहास बोध थी, तो मैंने कहा था कि मुझे मालूम है कि इतिहास मुझे कूड़ेदान पे फेंक देगा, लेकिन मुझसे मेरे फेंके जाने के पहले वहाँ और कई फेंके जाते मैंने कोशिश अपने बल इतनी सफल हुई इतनी नहीं हुई, मैंने मृत्यु प्रेम रति श्रृंगार प्रकृति दूसरे लोग देवता पूर्वज कलाकार इन सब को लेकर कविताएं 1000 से अधिक कविताएं हो चुकी हैं और मैं संसार का गुणगान करता हूं, मेरी बुनियादी वृत्ति है संसार का गुणगान करना। लेकिन गुणगान में उसकी जो अंधेरे हैं उसकी जो मौके हैं और वो सब मैं भूलता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा एक काम, देखिए कविता तो संसार से अनुराग से उपजती है, जो ससरा संसार से प्रेम नहीं करता उसके पास करने को बहुत काम है वो करे, लेकिन कविता में अगर आइएगा तो संसार से प्रेम को कविता में प्रकट होना चाहिए, मेरे कहने से प्रकट नहीं होगा। मैं कहूँ मैं संसार से बड़ा प्रेम करता हूँ ये काफी नहीं है, जब तक कि कविता के ब्यौरों में वो प्रेम न झलकता, और वो प्रेम झलके का अनुराग झलके का जब आप ऐसी बहुत सारी चीजों से अपने को तदाकार कर पाएंगे जो कि आपके ध्यान में आमतौर पर नहीं आती। मैंने इस पर भी कविता लिखी है कि मैं गया एक जूते की दुकान में पेरिस में, तो उसने पूछा कि नंबर क्या है, हम मुझे अपने जूते का नंबर क्योंकि हम तो जूता पहन लेते तो उसे नंबर बोल दिए, और उसने मेरी तरफ ऐसे विचित्र ढंग से देखा कि अजय मूर्ख आदमी है लगता तो ठीक ठाक ही है लेकिन इसको ही तक नहीं कि उसके जूते का नंबर दिया। तो अब ये एक छोटी सी घटना है जो जिसका वैसे कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये कि आपको अपने जूते का नंबर नहीं मालूम है और आप एक दुकान में जा रहे हैं और उसमें जाके आप जूते की मांग कर रहे हैं, तो इसमें जो एक विडंबना जैसी है कि आपको वो चाहिए जिसके बारे में आपको ठीक से पता ही नहीं है। मैं बहुत कविता अभी 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 सवाल जवाब में आपको सवाल जवाब के जी अशोक जी ने अपने बारे में बहुत थोड़े में बताया, अशोक जी बहुत बड़े कवि हैं और मैं इसे क्षमा चाहते हुए ये पता नहीं है तो मैं कैसे बता, हाँ नहीं आपको पता है आपको भी पता है, मैं सिर्फ इसमें ये इतना आप लोगों का ज्ञान थोड़ा और साफ करना चाहता हूँ क्षमा चाहते हुए कि अशोक जी से मेरी बात हुई आज से 5 वर्ष पूर्व कि हम लोग एक कविता इनकी परंपरा और पूरे भारतीय परंपरा पे संवाद करेंगे, तो उन्होंने कहा प्रश्नावली भेजो, तो मैंने इनकी सारी कविता पढ़ी और सब पढ़ा और 100 सवालों की एक फहरिस्त भेजी और मैंने अशोक जी से कहा कि इस पुस्तक का नाम होगा संसार का गुणगान क्योंकि आपकी कविता में संसार का गुणगान होता है। तब से अशोक जी अपनी कविता के बारे में ये बताते हैं कि ये संसार का गुणगान करते हैं। ये खोजने वाला एक युवतम कवि है
जो इनके प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करता है और जिसने इस बात की शिनाख्त की कि अशोक वाजपेयी संसार का गुणगान करने वाले कवि हैं। आपको श्रेय जाता है, आपको श्रेय जाता है इसकी तरफ से। अशोक जी को श्रेय जाता है, हम लोगों ने तो सिर्फ इसको अंडरलाइन किया है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अशोक जी से सवाल करें, और लेकिन वो एकाग्र हो हिंदी कविता पर और अशोक जी की कविता। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, इट इज सडनली अकर्ड टू मी कि किसी दूसरे सत्र में किसी दूसरे साहित्यकार के सामने प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपसे पूछूं, आपका जख्म क्या है? व्हाट इज योर वुंड? हजार कविताओं तो लिख रहा हूँ, मैं अपने जख्म को छुपाता ही रहता हूँ। जख्म हर कवि के जी हाँ, उधर से पूछ रहे हैं। जी पूछिए पूछिए। सर आपने भाषा की मर्यादा की बात की, पर सर मेरा ऐसा मानना है, 2013 में भी देखें बीबीसी की लिस्ट में सबसे ज्यादा जो बिकने वाली किताबें थी उनमें निखिल सचान थे, दिव्य प्रकाश दुबे थे। इनकी कहानियां पढ़ेंगे, बल्कि दिव्य प्रकाश दुबे की तो किताब का नाम है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, एक अंग्रेजी नाम के साथ एक हिंदी कविता, हिंदी किताब के लिखती है, कहानियों का एक संग्रह है। सर मेरा ऐसा मानना है कि भाषा में बदलाव किसी मर्यादा को भंग करना नहीं है, बल्कि भाषा में बदलाव होना, बदलते रहना इसकी जरूरत है। अगर मैं किसी ऑटो वाले से कहूंगा साहब विश्वविद्यालय में छोड़ दीजिए, तो वो बोलेगा भाई हिंदी में बोलना, और जब मैं कहूंगा यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, तो उसे पल नहीं लगता। भाषा का मूल कारण संवाद होना चाहिए। अगर जिस मर्यादा की आप बात करते हैं, जिस ठहराव की बात करते हैं, जिस नियमों को कायदों को मानने की बात करते हैं, अगर मैं उसका इस्तेमाल करूं, तो मेरा संवाद कहीं बाधित होता है आम जन से, युवा से। और सर यही कारण है कि हिंदी अब कम बिकती है। हिंदी में अभी वो लोग हैं जो शुद्ध हिंदी जिसे कहते हैं, हालांकि कोई भाषा मेरा मानना शुद्ध नहीं हो सकती, पर उसका इस्तेमाल जो लोग ज्यादा करते हैं वो युवाओं तक कम पहुंच रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाषा में बदलाव किसी मर्यादा को भंग करना नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक बदलाव है? मैं भाषा में बदलाव को मर्यादा भंग नहीं मानता। मैं ये भी नहीं मानता कि भाषा कोई जड़ चीज है जो कि बदलेगी नहीं, उस पर दुनिया भर के प्रभाव पड़ेंगे, इसमें बहुत सारे, कोई नई बात नहीं है। हिंदी में ऐसे बदलाव सदियों से आए। तुलसीदास ने 1000 से अधिक अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग रामचरितमानस अकेले में किया। तो भाषा तो बदलेगी, सवाल यह है कि भाषा कहां तक बदलेगी, यानी क्या इतनी बदल जाएगी? अंग्रेजी बहुत बदली, अंग्रेजी पर एक किताब आई थी इंग्लिशेस, जिसमें तरह तरह की अंग्रेजी पर साउथ अफ्रीकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, फलानी इंग्लिश, दिकानी इंग्लिश, कैरिबियन इंग्लिश। तो मैं उस समय कुलपति था, तो मैंने किसी से कहा कि हमको एक पुस्तक होना चाहिए हिंदियां, तरह तरह की हिंदी, तमिल भाषी बोले तो उसकी हिंदी में थोड़ी तमिल आंदा होनी चाहिए, जो कोई मराठी भाषी बोले तो उसमें थोड़ी तो बदलेगी। आप इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं और उम्मीद है कि संवाद हो रहा है जी। तो मैंने तो कोई किसी और भाषा के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जी। मैंने मर्यादा में रहकर भी जितने और शब्द मेरी समझ में आते थे, मेरे दिमाग में आते थे, उनका मैं इस्तेमाल करता गया। तो अगर इससे संवाद संभव है, ऐसा उदाहरण देना कि विश्व एक टंग ट्विस्टर आपने उठा दिया और उससे कहा कि ये तो भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है, ये सही है, लेकिन भाषाएं जाति स्मृति का भी माध्यम है, भाषाएं वैचारिक द्वंद और संघर्ष का भी माध्यम है, वो सिर्फ संप्रेषण का मामला नहीं है। कि आप कामकाजी भाषा है, वो कामकाजी भाषा में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते होंगे जी। जी क्या कोई भी पोएट है उसके लिए टेम्परामेंट की जरूरत होती है कि जो कि आप लाइट हार्टेडली आप सराउंडिंग्स को समझ सकते हैं? तो आपके लिए भी पूछती हूँ कि कभी आपका मूड ठीक होता है तो बेटर फ्लो ऑफ वर्ड्स आते हैं, और स्ट्रेसफुल होते हैं तब फर्क पड़ता है आपके वर्ड्स से। और देखिए मैं तो एक हंसमुख आदमी, तो मुझे ये दुख वगैरह जो है ये इतने ज्यादा नहीं सताते जितना औरों को सताते हैं। होते हैं, लेकिन मैं उनको अपने से भी छुपाता हूँ। उसे कोई पूछा कि हमेशा हंसते क्यों हैं, तो उसके मैंने दो कारण बताता हूँ। एक कारण तो ये कि मैंने यहूदी कहावत पढ़ी थी कि आदमी के सामने हंसो, ईश्वर के सामने रो। तो मैं चूंकि मुझे आस्था का वरदान नहीं मिला है, मैं नास्तिक हूँ, तो ईश्वर तो रहा, जिसके सामने मैं रो वो है ही नहीं मेरे लिए।
तो बचा आदमी तो उसके सामने हंसते हैं। दूसरा यह है कि मैं हर दिन इतनी बेवकूफियां करता हूं कि मुझे अपने पास ही आती सुख और तीसरा ये है कि मुझे दुनिया में हंसने के लिए बहुत मिलता है लेकिन मैं अपनी कविता में विलाप करता हूँ। कविता में उतना नहीं हंसता इतना जिंदगी में हंसता। ये आपके प्रश्न से सर आपने बताया कि कोना भी देख लिया कोना भी देख लिया जी आपने बताया कि आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है जी और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया भी जी जी मैं भी उसी उसमें हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ जी और जब मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया था तो ये सोच के लिया था कि समाज में उसकी एक बहुत ऊंची मर्यादा है और उसको एक सुपीरियर स्टेटस मिलता है। दूसरा एक ही कॉमर्शियल लैंग्वेज अब इतने साल पढ़ा के 10-15 साल पढ़ा के मुझे ये जब थोड़ी समझ में आई बातें तो ये भी समझ में आया कि एक इंपेरियलिस्ट लैंग्वेज रही जिसका उद्देश्य था कि हमारे ऊपर रूल करना और हमारे अंदर ये भर दिया गया कि अंग्रेजी अगर आप जानेंगे तो आपका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ेगा। अब ये द्वंद आता है मेरे अंदर तो इसका आप कुछ हल अगर आप निकाल पाए। देखिए एक तो ये है कि अंग्रेजी की भूमिका एक जमाने में भले ही रही हो जो हम पर हुकूमत करने का माध्यम थी अंग्रेजी का महान साहित्य और अंग्रेजी की हमारे समय में उपयोगिता इन दो बातें इससे प्रभावित नहीं होती। अंग्रेजी एक महान भाषा है इसका उपयोग करना हमें आना चाहिए अगर आ सके अगर ऐसे अवसर हों जरूर सीखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अब ये कि सामाजिक हैसियत भाषाओं की क्या है। आप अभी भी पेरिस में फ्रांस की किसी भी दुकान में जाइए आप अंग्रेजी में बोलिए वो जवाब आपको फ्रेंच में देगा। जी जी बिल्कुल चीज आपको दे देगा लेकिन जवाब फ्रेंच में देगा। ऐसे और भी देश हैं कही जा सकते हम ही एक ऐसे विचित्र देश हो गए हैं और खास वो तो अगर हम अपनी और इसमें सबसे ज्यादा दोष तो हिंदी भाषी समाज का है। हिंदी भाषी समाज अपनी मातृभाषा के साथ और खासकर उसका पढ़ा लिखा मध्य वर्ग विश्वासघात कर रहा है और उसका ये नतीजा है। आखिरी सवाल है आपसे जी सर। मेरा सवाल यह है एक अन्य सत्र में आपने कई एक चुटकी ली या कुछ आपने कहा कि सलमान रुश्दी ने के लेखन में और भाषा को जो इंग्लिश भाषा है उसको चटनी बना के पेश किया ऐसा कुछ था। एक मिनट मैं पूरा कर लूँ चटनी। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि आप उस बात को उस तरह के लेखन को की प्रशंसा कर रहे हैं या आलोचना। लेकिन उसमें आलोचना मुझे ज़्यादा समझ में आ रही थी क्योंकि मैं सलमान रुश्दी की हर पुस्तक को मैंने पूरा पढ़ा है और मैं उनका प्रशंसक भी। ये भी बता दूं मुझे लगा कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा को उस तरह की भाषा यूज करके उसमें बहुत हिंदुस्तानी चीज़ें भी आई है तो उसको रिच किया है बजाय उसको पोल करने। मैंने यही कहा जी मेरे हिसाब से सलमान रुश्दी ने भारतीय अंग्रेजी में जो किया जिससे पूरी भारतीय अंग्रेजी लेखन का परिदृश्य बदल गया जी और वो एक बहुत महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है जिसमें उन्होंने तमाम भारतीय अभिव्यक्तियों को ठूस दिया। एक सवाल हो रहे सर छोटा नहीं सवाल आप बाहर अलग से बात कर सकते हैं। कोई बात आपने अटली को सुना हिंदी कविता की कहानी तो समाप्त ही नहीं हो सकती क्योंकि हमने एक आधुनिक काल पे बेस किया था और उस पर भी हम पूरी बात नहीं कर पाए क्योंकि समय की एक अवधि है और आप लोग इतनी संख्या में आए इसके लिए हम शुक्रगुजार Thank you so much. Gratefulness to you both and to you for bearing with us. Thank you so much.